ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव गेमिंग बैटिंग ऐप केस में ईडी एक्शन मोड में है। रणबीर कपूर के बाद अब हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा और हिना खान से भी पूछताछ होगी। लेकिन महादेव बैटिंग ऐप है क्या, वो आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को तलब किया है। इसके साथ ही मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी और हिना खान को समन जारी कर सभी को पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है। इसे लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच ईडी के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जांच एजेंसी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ऐप के मालिकों ने बॉलीवुड सितारों को अपने ऐप को प्रमोट करने के बदले पैसे दिए थे। रणबीर कपूर इसके विज्ञापनों और इसके साथ ही सोशल मीडिया में इसे प्रमोट करते हुए भी नजर आए थे। वहीं खबर है कि रणबीर कपूर की लीगल टीम ने ईडी से संपर्क किया है और जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। जांच से पता चला है कि कंपनी के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की हाल ही में यूएई में शादी हुई थी, जिसमें सेलिब्रिटीज ने परफॉर्म किया था और अपनी फीस कैश में भी ली थी। ईडी इसी कनेक्शन की जांच कर रही है कि क्या हवाला के जरिए इस पैसे को यूएई से भारत लाया गया था। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप कई वेबसाइट और ऐप का सिंडिकेट है। करीब 4 साल पहले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने मिलकर इस ऐप को शुरू किया था। कंपनी के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। ईडी के मुताबिक कंपनी के प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई से ऐप को संचालित कर रहे थे। उसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसका कॉल सेंटर नेपाल और श्रीलंका में है। ये प्लेटफॉर्म क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर और कार्ड गेम सहित कई तरह के लाइव गेम में अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन मंच मुहैया कराती है। बैटिंग ऐप को 70-30 के लाभ के अनुपात पर फ्रेंचाइजी देकर चलाया जाता है। महादेव ऐप घोटाला करीब 5,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। गेम के प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लॉटरी और बैटिंग ऑप्शन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसे खेलने वाले प्लेयर्स हमेशा पैसे खोते थे और कंपनी हमेशा फायदे में रहती थी। महादेव ऐप पर सट्टे का खेल 500 रुपए से शुरू होता था और अगर इसे खेलने वाला हार जाता था तो कंपनी उसे कुछ धनराशि देती थी। इसके बाद लोगों को इसकी लत लग जाती थी। कई राज्यों और शहरों में इसका जाल फैला हुआ था। इस मामले में ईडी की जांच का दायरा बॉलीवुड के कई स्टार्स तक पहुंच चुका है। इस मामले में टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एली अवाम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरीचा, आतिफ असलम, राहत फतेह अली के नाम भी शामिल हो चुके हैं। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।